अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए कैंपेन जोर पकड़ा हुआ है। इसी बीच रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता कमला हैरिस के बीच पहली डिबेट हुई। इस डिबेट के दौरान दोनों ने एक दूसरे पर तीखे हमले किए। एक तरफ ट्रंप ने कहा कि हैरिस जीती तो फिर इसराइल के अस्तित्व पर ही खतरा पैदा हो सकता है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध भी खत्म करने की बात कही। इस पर हैरिस ने कहा कि आपको तो व्लादिमीर पुतिन खा जाएंगे। हालांकि इस दौरान एक दिलचस्प वाक्य ये भी है कि 8 साल में पहली बार डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस आमने सामने आए तो गर्मजोशी दिखाई और हाथ भी मिलाया। डिबेट के दौरान गाजा के युद्ध का भी मसला उठाया। इस पर कमला हैरिस ने कहा कि मैं तो 2 state solutions की बात करती हूँ। इस पर डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि यदि मैं राष्ट्रपति होता तो वहाँ समस्या इस स्तर तक नहीं पहुँचती। उन्होंने कहा कि कमला हैरिस तो इसराइल से नफरत करती हैं और उस क्षेत्र के अरबों से उतनी की बहुत ज़्यादा नफरत है। इस पर कमला हैरिस ने कहा कि ट्रंप का दावा बिल्कुल गलत है और मैं इसराइल के साथ खड़ी हूँ। वहीं जवाबी हमला बोलते हुए हैरिस ने कहा कि यदि ट्रंप राष्ट्रपति होते तो अब तक रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कीव में होते। उन्होंने कहा कि व्लादिमीर पुतिन के दबाव में आप तो हथियार ही डाल देते। कमला हैरिस ने कहा व्लादिमीर पुतिन को कीव में बैठे होते और उनकी नज़र बाकी यूरोप पर होती। इसकी शुरुआत वो पोलैंड से ही करते। क्या आप जानते हैं कि एक तानाशाह से दोस्ती का क्या नतीजा हो सकता है? वो तो आपको लंच में ही खा लेंगे। इस बीच एक सवाल पर ट्रंप ने ये भी पूछा कि क्या रूस से जंग में यूक्रेन की जीत पाते। इस पर ट्रंप ने सीधे तौर पर कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन कहा कि युद्ध रोकना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि जंग का रुकना ही अमेरिका के हित में होगा। यही नहीं, इस दौरान बहस में तब दिलचस्प मोड़ ले लिया जब बाइडेन सरकार की असफलताओं को डोनाल्ड ट्रंप गिनाने लगे। इस पर कमला हैरिस ने कहा कि बाइडेन के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ रहे। वहीं ये भी पूछा कि आखिर आप कमला हैरिस की नस्लीय पहचान पर टिप्पणी क्यों करते हैं? ट्रंप ने कहा, मुझे उस बात से कोई मतलब नहीं कि हैरिस क्या है, मैं तो कहीं पढ़ा था कि वो ब्लैक नहीं है। इस पर कमला हैरिस ने कहा कि वो एक आपदा सरीखा कि डोनाल्ड ट्रंप उनकी नस्लीय पहचान का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।